Kedele. दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 17 दिसंबर से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। पुष्पा मूवी को इंडिया में लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जबकि ओवरसीज में यह मूवी 1000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। तो दोस्तों इस तरह से पुष्पा मूवी वर्ल्ड वाइड 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का निर्देशन सुकुमार सर ने की है। पुष्पा मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट लगभग 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी कोरोना महामारी में भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। पुष्पा मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 45 करोड़ 78 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी, जिसमें से अकेले तेलुगु वर्जन का कलेक्शन 38 करोड़ 15 लाख रुपए रहा था, जबकि तमिल वर्जन में ये फिल्म पहले दिन 2 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। अगर हिंदी वर्जन के कलेक्शन की बात करें तो पुष्पा मूवी का पहले दिन का हिंदी वर्जन का कलेक्शन 3 करोड़ 33 लाख रुपए रहा था। अगर बात करें इस मूवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो पुष्पा मूवी पहले वीक में 152 करोड़ 15 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है। वहीं अगर बात करें पुष्पा मूवी के दूसरे वीक के डिवाइस कलेक्शन के बारे में तो पुष्पा मूवी 8वें दिन यानी रिलीज के दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही है, जबकि यह मूवी 9वें दिन यानी रिलीज के दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 7 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही है। अगर बात करें पुष्पा मूवी के 10वें दिन यानी रिलीज के दूसरे रविवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 10वें दिन यानी रिलीज के दूसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही है। तो दोस्तों इस तरह से पुष्पा मूवी का पहले 10 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 179 करोड़ 12 लाख रुपए हो गई है, जबकि इस मूवी का पहले 10 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 209 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो पुष्पा मूवी का अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 235 करोड़ रुपए हो गई है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी ओवरसीज मार्केट में अब तक 26 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। वही अगर बात करें पुष्पा मूवी के 11वें दिन यानी रिलीज के दूसरे सोमवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये मूवी 11वें दिन यानी रिलीज के दूसरे सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के बावजूद भी अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों अगर आप पुष्पा मूवी देख चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।